लो ब्लड प्रेशर या मेडिकल भाषा में इसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। लो बीपी वाले मरीज़ अधिकतर अपने आप को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो इसे इतना ख़तरनाक नहीं मानते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। अगर आपका बीपी 90 और 60 से कम रहता है तो आप लो बीपी की कैटेगरी में आते हैं और लॉन्ग टर्म में इसके बहुत सारे घातक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छा यही है कि इसके सिम्टम्स देखकर आप तुरंत अपने ट्रीटमेंट को शुरू करें और किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सडन बीपी ड्रॉप होने के क्या कारण होते हैं और इसके चलते क्या दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपका बीपी भी दोस्तों लो रहता है और आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो अचानक से ब्लड प्रेशर कम होने के पीछे कई बार कोई कारण नहीं भी होता है। ये इंसिडेंटल भी हो सकता है और इसके सडन चेंज के लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ये सडन लो ब्लड प्रेशर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का कारण भी बन जाता है। तो आइए दोस्तों, अब इसके कुछ साइन और सिम्टम पर नज़र डालते हैं जिससे कि आप समझ पाएँ कि ये क्यों होता है और इसको कैसे पहचाना जाए। दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपका बीपी कितनी तेज़ी से गिर रहा है और किस वजह से गिर रहा है। जब भी दोस्तों आपका बीपी ड्रॉप होता है तो आपको कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे कि सर में हल्कापन महसूस होना और थकान महसूस होना, हार्ट रेट का बहुत तेज़ी से बढ़ जाना और सांस लेने में दिक्कत होने लगना। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों आप ब्लड प्रेशर को बीपी को मापने वाले इंस्ट्रूमेंट से माप सकते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना गिरा है और अभी इसका लेवल क्या है। वहीं अगर हम सडनली होने वाले ब्लड प्रेशर ड्रॉप की बात करें तो दोस्तों इस केस में आपको कई सारे टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन की नीड होती है, जैसे कि पूरे फिजिकल एग्जामिनेशन, लैब टेस्ट, कार्डियक मॉनिटरिंग और इमेजिंग स्टडीज़, जो कि ज़रूरत के हिसाब से आपको करानी होती हैं। अगर हम इसके मेज़रमेंट की बात करें तो दोस्तों, जनरली बीपी को मिलीमीटर ऑफ मर्करी यानी कि MMHG की यूनिट में मापा जाता है और इसके दो फॉर्म में देखा जाता है, सिस्टोलिक बीपी जो कि 90 से ऊपर की तरफ होता है जिसको हम हाई बीपी कहते हैं, और दूसरा होता है डायस्टोलिक बीपी जो कि 60 से नीचे की तरफ होता है जिसको हम लो बीपी कहते हैं। अगर हम नॉर्मल बीपी की बात करें तो दोस्तों वो 120 से 80 के बीच में देखने को मिलता है। आइए दोस्तों बात करते हैं सडन ड्रॉप आपका बीपी कैसे होता है। दोस्तों, यूजुअली जब हमारी वेसल्स में ब्लड का फ्लो कम होता है तो उसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है और इसी की वजह से हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। अगर इसमें होने वाले कुछ कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो दोस्तों, लाइट हेडनेस, डिजीनेस महसूस होना, नौशिया, फटीग, स्लीपिनेस, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड विजन और फेंटिंग जैसे कुछ लक्षण हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इरेगुलर हार्ट बीट, फीवर, इंडाइजेशन, हाइव्स और वॉमिटिंग। दोस्तों, ये भी सिम्टम उस पर्टिकुलर सिचुएशन और कंडीशन से संबंधित हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका बीपी लगातार गिर रहा है या गिरा है। अगर कुछ सीवियर दोस्तों सिम्टम्स पर नज़र डालें जो कि आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं तो इनमें शामिल हैं रैपिड हार्ट रेट, कमज़ोर पल्स रेट, शैलो ब्रीदिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आना, प्यास बहुत ज़्यादा लगना, कोल्ड क्लैमी स्किन होना, कन्फ्यूजन की स्टेट में होना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी या फिर एनजाइटी महसूस होना। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इस सडन लो बीपी की दिक्कत को ऐसे ही छोड़ देते हैं और इन्वेस्टिगेट और ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो दोस्तों ये एक शॉक के जैसे भी बॉडी को डैमेज कर सकता है और बॉडी में प्रेजेंट वाइटल ऑर्गन्स के ट्रीटमेंट डैमेज हो सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी यही है कि अगर बीपी ड्रॉप रहता है या कम रहता है तो उसका हम ट्रीटमेंट शुरू करें। हम चाहें तो उसको योग अभ्यास या एक्सरसाइज के माध्यम से भी ठीक कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर अपनाने चाहिए और इसे यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की लो ब्लड प्रेशर और उससे जुड़े कुछ साइन और सिम्टम्स के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।